व्हाट्स अप गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू दिस ब्लॉग। तो आज सुबह 10 बजे का कॉल टाइम उन्होंने दिया था और कहा था कि निकलने से पहले आप एक बार फ़ोन करना, आपका सीन आगे पीछे का तो बता देंगे। उनका 9 बजे ही फ़ोन आ गया, बोल रहे हैं आपका पहला सीन है, जल्दी से जल्दी आइए। तो अभी वहाँ मेरा हो रहा है इंतज़ार और अब मैं पहुँचूँगा एक घंटे में। सोचा था कि जो है रास्ते में आपको कुछ बहुत कुछ दिखाते हुए लेके जाऊँगा, लेकिन अभी डायरेक्ट सेट पर पहुँचना पड़ेगा। मेरी वजह से सीन रुका हुआ है, अब जितना जल्दी हो सकता है मेकअप करो, कपड़े पहनो, सेट पे पहुंचो। तो सभी लोगों से डांट सुनते हुए अब हम जा रहे हैं सेट पे अपना सीन करने के लिए। हाँ, क्या प्रॉब्लम? किसी देखो, गलती एक ही होती है लेकिन सुनना हम सबको पड़ता है, ये होता है हमारा टीम वर्क। और इधर ही मंदिर है, ब्रजेश्वरी मंदिर, और इसके जस्ट इस तरफ हम लोग शूट कर रहे हैं। सीन पता चल गया ना कौन सा करना? हाँ हाँ, एंट्री मतलब भगत रिलेटिव हाउस का सीन पड़ा ही होगा सारा, वो पूरा पड़ गया। हाँ, तो वही हाँ, मैं इधर ही। तो बस अभी थोड़ी देर में हमारा सीन शुरू होगा सब। हाँ यार, मेरे की भी शूटिंग हम यहाँ कर सकते थे। यहाँ से है हमारी एंट्री और जाकर के आज इसी घर में हम अपना कूच करेंगे। जल्दी जल्दी करो। हाँ, तो अभी जस्ट खाने वाले सुन। बहुत ही जोरदार सीन चल रहा है एकदम। अभी जस्ट हमने खाने पीने वाला पूरा सीन कंप्लीट किया और इस सीन में ही मैंने 2 रोटी खा ली हैं। अब लंच करने की ज़रूरत नहीं है। किसको फोन कर रहा? जब हम कहे थे कि हमारे अलावा यहाँ कोई फोन इस्तेमाल नहीं करेगा तो तुम कहे करे? भाई दिखाइए। तो गाइज, अभी हमारा लंच ब्रेक हो गया है। देखिए, सुरभि ने खाना भिजवाया है लंच, और जो है भाई साहब, सुरभि के भाई साहब जी जो है लेकर के आए हैं हमारा टिफ़िन। अब बस एक सीन मेरा और है, 6 सीन का, उसके बाद फिर हो सकता है कि मैं घर जाऊँ। बहुत ही खूबसूरत लोकेशन है यार, इधर पूरा तालाब का भी व्यू अच्छा आता है। तो अभी हमारा वहाँ घर का सीन पूरा ख़त्म हो चुका है, अब हम करेंगे ये बाहर का। हमारे डायरेक्टर साहब हैं, बहुत ही एनर्जेटिक, बहुत ही चार्मिंग एंड डायनेमिक डायरेक्टर। तो अभी हम लोगों का लोकेशन चेंज हुआ है, अब जो है वो चेसिंग वाला सीन है कि पुलिस दौड़ाती है, मैं भाग रहा हूँ और इनकाउंटर इसके पहले वाले सीन में हो चुका है। वाह, व्हाट ए लवली लोकेशन। अब बताओ किसको शूटिंग करने में अच्छा नहीं लगेगा, आपको ऐसी ऐसी जगहों पे घूमने का जो अब मिलेगा। आप लोग कब से तैनात हैं एकदम? सुबह से तैनात है, ड्यूटी है। इस तरफ क्या है, ये क्या है? तालाब है, ये पूजा वूजा कराने की जगह है क्या ये? गाइज, ये वाला सीन आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा कि ये क्या किया जा रहा है। इनकाउंटर से पहले जो हम कैप्सूल लगाते हैं, जो बारूद से भरा हुआ पूरा कैप्सूल होता है, उसको बैटरी से कनेक्ट करते हैं ताकि ब्लास्ट कर सकें और लगे बिल्कुल कि एकदम रियल गन शॉट चली है, गन के साउंड से और इसके साउंड से इसको मैच कराते हैं। तभी विक्रम भाई को भेज रहे हैं जहाँ पर इनका इनकाउंटर होना है। 4 गोली लगेगी। धाए। आप कहाँ इमोशनल हो रहे हैं, आपों को इनकाउंटर होगा का? तो ये है वो एग्जैक्ट लोकेशन। यहाँ पर एक्टर पहले अपनी तैयारी करता है कि कहाँ से कहाँ तक भागना है, पूरी पोजीशनिंग, उसके बाद रिहर्सल, मतलब जब भी वो टेक दे तो फाइनल टेक ही दे, क्योंकि क्या पूरा सेटअप लगा रहता है ना, इतना तामझाम, तो बार बार रीटेक ना हो उससे बचने के लिए पहले ही आदमी अपनी रिहर्सल कर लेता है।
और थोड़ा सा फ्री होना भी बहुत ज़रूरी है, इसीलिए आप जितनी मस्ती कर सकते हो सेट पर उतनी करो ताकि आप सीन अच्छे से दो। और चूँकि इनका पिछला सीन काफ़ी देर पहले हुआ था, इसीलिए इनको पूरा अपने बॉडी को वार्म अप करना पड़ेगा ताकि चेहरे पे वो दिखाई दे कि हाँ वो पुलिस से भाग रहे हैं और दूसरे के घर में छिपे थे, ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो उनको अपने चेहरे पे दिखानी पड़ती है। तो जितना ज़्यादा ये वार्म अप करेंगे उतना ही अच्छा एक्सप्रेशन वो दे पाएंगे। देखिए ये पहले उन्होंने होल्ड किया, अब आप ये सीन में आप देखना कि किस तरीके से कोई भी एक बढ़िया एक्टर इसको वन टेक में परफॉर्म करता है, मतलब कितना एक्टर रिहर्सल करता है अपने एक अच्छे एक जितना टाइम मिलेगा उतना ही अच्छा है एक एक्टर के लिए। देखिए वो लंगड़े भी हैं, इस बात का भी उन्होंने ध्यान रखा, और ये वो गए, ये पोजीशन लिया होल्ड करके और एक ये होल्ड किया, यस अभी गोली लगते ही ये नहीं कि तुरंत गिर जाना है क्योंकि सामने कैमरा भी है, चेहरा भी दिखाना है। और देखिए वो गिरे किस तरीके से, पैर को फोल्ड करते हुए कि ताकि पीछे ज़्यादा चोट ना लगे। लेट जाओ। अरे लेकिन तीन ही फटा। हाँ तीन ही फटा, उसका फर्क नहीं पड़ता, वो करेंगे वो बाद में। उड़ जाओ अभी क्या है, मैंने उनको सोने दे जा रहा हूँ। मना किया, अरे शिफ्टिंग की बूंदी अभी क्या मिलेगा, वो कैमरा लेके जा रहे थे तो। नहीं वो फटेगा तभी, तीन ही फटा। अच्छा इसको फोड़ने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, रिमोट? हाँ मतलब फूटता कैसे, अंदर बारूद वगैरह रहता है? बारूद रहता है और थैला जैसे, ये जिंदा बचा हुआ है, जिंदा बचा हुआ। ये बारूद है इसमें, इसके में बारूद है। तो अभी हमारा लोकेशन चेंज हुआ है, हम यहाँ पर शूट करेंगे। हाँ कौन है नारे? शूटिंग चलता है। हाँ मैं कौन है नारे? कौन? ऐसा कौन मेन है नारे? मेन विक्रम कोचर। विक्रम कोचर? विक्रम कोचर। गुड मॉर्निंग। अबलू, अबलू हाँ, देख पुलिस को, आइए सर, आइए। कौन? 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 ओके ओके, ओके ओके, ओके ओके। रेडी है ना? नार्मल एक्शन। फायर। सिक्स। उतार के दिया। डाइ, डाइ, बंद। ये देखिए वे दुबे के प्रशंसक भी बहुत सारे आ गए हैं, सब इनसे फोटो खिंचवाना चाह रहे हैं इनके साथ। तो गाइस अभी हम लोगों ने बहुत सारा सीन किया जिसमें मेरा एनकाउंटर भी हुआ, तो बस ये मीडिया आएगी और उसके बाद यहाँ का सीन पूरा हो जाएगा खत्म। गिनती की हैं सांसें, माया मोह लोभ लालच की, माया मोह लोभ लालच की फंसी गरे में फांसे सांसें, गिनती की हैं सांसें। तो गैस बस आज के ब्लॉग में इतना ही है, अगर यहाँ तक देखा हो, अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक का बटन जरूर दबाइएगा, नया तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर पाहो तुम कहाँ से सांसें,
गिनती की।